दोस्तों इन दोनों बिल्लियों को ध्यान से देखिए। अब इन दोनों बिल्लियों की आंखों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इनमें से एक बिल्ली की दोनों आंखों का रंग सेम है जबकि दूसरी बिल्ली की दोनों आंखों का रंग अलग अलग है। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या है? हमेशा की तरह कुछ मजेदार बताएंगे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि आंखों का अलग अलग रंग होना हेटरोक्रोमिया नामक मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जो कि कोई बीमारी नहीं है और ये मोस्टली सफेद रंग की बिल्लियों में देखने को मिलता है। अगर हम हमारी आंखों की बात करें तो हमारी आंखों का रंग बचपन में ही डिसाइड हो जाता है और ये आयरिस के रंग पे डिपेंड करता है। आयरिस का रंग नीला, भूरा, काला एटसेट्रा हो सकता है, जो कि मेलेनिन हार्मोन की वजह से डिसाइड होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें बिल्लियों की, तो बिल्लियों में जब बिल्ली का बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखों का रंग नीला होता है। फिर इनमें कुछ हफ्तों बाद जब मेलेनिन हार्मोन अपना इफेक्ट दिखाता है तो हफ्ते भर बाद इनकी आंखों का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगता है। लेकिन सफेद बिल्लियों में व्हाइट जीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और ये व्हाइट जीन मेलेनिन हार्मोन को बिल्ली की किसी एक आंख तक पहुंचने से रोक देता है, जिसकी वजह से बिल्ली की एक आंख नीले की नीली रह जाती है जबकि दूसरी आंख का रंग बदलकर पीला, हरा या फिर डार्क नीला हो जाता है। हेटरोक्रोमिया सिर्फ बिल्लियों में ही नहीं बल्कि डॉग्स और इंसानों में भी देखा जा सकता है। डॉग्स की हस्की ब्रीड के अंदर आप इसे देख सकते हैं। यही नहीं, केट बोसवर्थ जो कि हॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनकी आंखों का रंग भी हेटरोक्रोमिया की वजह से ही अलग अलग है। जैसा कि मैंने बताया कि हेटरोक्रोमिया कोई बीमारी नहीं है, इस वजह से इससे आंखों की रोशनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ज्यादातर आनुवंशिक ही होती है या फिर चोट लगने के कारण भी हो सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।